आजकल के इस मिलावटी और महंगाई वाली दुनिया में हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या चीजें घर में बनाएं और क्या चीजें मार्केट से मंगवाएं। एंड आई होप आज की हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम बनाएंगे पनीर, जो कि नो डाउट हेल्दी तो है ही, साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी है। लेकिन कैसे, ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो। नमस्कार दोस्तों, cookingexam.in पर आपका बहुत बहुत स्वागत। कई बार हमारे दिमाग में कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि क्या घर पे पनीर बनाना फायदे का सौदा होगा, क्या इससे पैसे, समय और हेल्थ की बचत हो पाएगी। तो चलिए आज हम कर लेते हैं कॉस्ट एनालिसिस घर पे पनीर बनाने का। सो अगर हम बात करें पनीर की, तो मार्केट में ये 300 रुपए पर केजी के हिसाब से अवेलेबल है, और साथ में जब हम घर पर लेकर पहुंचते हैं तो ना जाने कहां से पनीर वाली पैकेट पानी से भरी मिलती है। मतलब यदि आप 1 केजी पनीर लाते हैं तो आपने एक्चुअली लगभग 200 से 220 रुपए की पनीर और साथ में लगभग 80 रुपए का पानी भी लेकर आते हैं साथ में, है कि नहीं। आप खुद ही सोचिए, आप तो पनीर खरीद कर लाए थे लेकिन आपको मिल क्या रहा है, उसके साथ में पानी भी आपके घर पहुंचते पहुंचते पन्नी में इकट्ठी हो जाती है, सही है ना। कभी भी आप गौर करिएगा, जब आप बाहर से पनीर लेकर आते हैं तो होता क्या है कि वो बहुत लूज होते हैं, उनका टेस्ट भी अच्छा उतना नहीं होता, और लगभग अगर हेल्थ पर्पज से बात करें तो हेल्थ से भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि वहां पर तो मक्खियों का जमावड़ा होता है, साथ में बहुत सारी गंदगी भी होती है। तो बेटर ऑप्शन है कि हम इसे अपने घर पे बनाएं, वो भी बिल्कुल कम समय में बन जाते हैं। कैसे बनते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे पनीर आज कितने अच्छे बने हैं, मस्त मसालेदार पनीर मैंने बना रखे हैं। इसमें आप अपनी फेवरेट कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं, मैंने तो सिर्फ एक आइडिया यहाँ पर शेयर किया है आपसे। तो सबसे पहले हमें लेना है भगोना, और भगोने में हल्का सा पानी जरूर से डालिएगा, जिससे हमारा दूध बिल्कुल भी नीचे चिपके नहीं। और यहाँ पर हमने ले रखा है 4 पैकेट दूध, यानी कि 2 लीटर, आधा आधा लीटर तक। और अगर टोटल अमाउंट की बात करें तो 132 रुपए का मैंने लिया है 4 पैकेट दूध, और वो भी फुल फैट क्रीम। और अगर हम बात करें क्वांटिटी की, तो लगभग हम 200 रुपए की पनीर बना लेते हैं 132 रुपए में। तो यहाँ पर हमने दूध को रख दिया है गर्म होने के लिए, और साथ में हम जीरा ले लेंगे, इस तरीके से हल्का सा रोस्ट कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, और यहीं पर हम डाल देते हैं काली मिर्च भी, हल्का सा रोस्ट करना है हमें। और इधर हमारा जो दूध है वो गर्म होने लगा है, और जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाएगा हमारा दूध, उसके बाद हम इसे फाड़ने का प्रोसेस करेंगे। पनीर जैसे आप बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम डाल रहे हैं ये विनेगर, और विनेगर से पहले हमने थोड़ी सी दही भी डाल रखी है। ऐसा करने से होता क्या है, जो हमारा पनीर बनेगा ना बहुत ही टेस्टी बनता है। तो 2 चम्मच दही और लगभग 2 ही चम्मच यहाँ पर मैंने मार्केट वाली विनेगर यूज की है, डायरेक्टली इस तरीके से यहाँ पर हम डाल देते हैं। और देखिए लगातार स्टर करते हैं, लेकिन किनारे किनारे से, जिससे कि हमारा जो पनीर है ना वो डिस्टर्ब ना हो, अंदर की बाइंडिंग अच्छी रहे। और जैसे फट जाएगा तो इसके पानी का कलर, यानी कि जो दूध के अंदर पानी था उसका जो कलर है ना, वो बिल्कुल क्रीमिश में आ जाएगा। तो इस केस में आप समझ जाइएगा आपका दूध बहुत अच्छे से फट चुका है। और यहाँ पर हमें ले लेना है मलमल का कपड़ा, कोई कपड़ा नहीं है तो कोई नहीं, आप घर के कोई दुपट्टे भी यूज कर सकते हैं। और यहीं पर हम डाल देते हैं 1 चम्मच जीरा और काली मिर्च को, और साथ में ये हरी धनिया और ये काजू, बिल्कुल छोटा छोटा कट करके इस तरीके से आप यहाँ पर यूज करेंगे। इवनली फैलाएंगे, जैसे कि जो काजू के स्लाइसेज हैं, जो टुकड़े हैं छोटे छोटे, वो जब हमारे मुंह में आएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ से अच्छे से स्टर करके मैंने मिक्स कर लिया, और यहाँ पर अब इसको छान देते हैं इस तरीके से। देखिए हमारे पनीर की बाइंडिंग कितनी अच्छी है, एक दूसरे से थक के बनकर जुड़े हुए हैं। और इस तरीके से इवनली फैला देते हैं, और देख लेते हैं हमारा भगोना, या हमारा भगोने में बिल्कुल भी दूध चिपका नहीं है नीचे। तो पानी हल्का सा जरूर रखिएगा भगोने में, या थोड़ा सा मॉइस्चर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से इसे हम इकट्ठा करते जाएंगे। ध्यान देना है कि जो प्रोसेस है वो हमें तभी करना है जबकि हमारा पानी ठंडा ना हो। इसको अच्छे से हर तरफ से बाइंड कर लेंगे गोला गोला, और इस तरीके से इसको डिप करेंगे गरम गरम पानी। ऐसा करने से हमारे पनीर का जो शेप है ना बहुत ही अच्छा सा बनेगा, बिल्कुल भी टूटा टूटा नहीं बनेगा, दरदरा सा नहीं बनेगा कि आप छूलेंगे तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, है ना। इसके लिए हमें पानी में ये प्रोसेस करना बहुत जरूरी। और बस मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर दूध लिया था, तो लगभग 1.5 किलो के हिसाब से मैंने वजन रख दिया है। और ये जो पानी है ना, पनीर का पानी, इसे फेंकने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, इसे आप
यूज़ कर सकते हैं अगर आप अपनी बेली फैट को कम करना चाहते हैं। और इसी वजह से मैंने यहाँ पर डाला था काली मिर्च, काजू और धनिया पत्ती, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं और साथ में हमारे वजन को कम करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। और साथ में आप इसे गर्मा गर्म ठंड में सूप की तरह सर्व करिए, बहुत ही मज़ेदार लगता है। इसके ऊपर बस हल्का सा जीरा पाउडर छिड़किए और फिर धनिया पत्ती के साथ हल्का सा गार्निश कर दीजिए और बस सर्व कर दीजिए एज अ सूप। अगर आप इसे पियेंगे ना तो आई एम श्योर आप इसे बार बार बना कर पियेंगे। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारा पनीर है आधे घंटे के लिए 20 से 25 मिनट के लगभग मैंने इसको छोड़ दिया और उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सेट हो चुका है। तो चलिए कट कर लेते हैं अब इसे। हमने यहाँ पर बात करी थी क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी कैसे मैटर करता है। अब देखिए हमारा जो पनीर है ना वो टाइट है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप इसे इसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा हो, बिल्कुल जितना पानी निकलना चाहिए था उतना निकला है, जितना मॉइस्चर इसके अंदर होना चाहिए उतना है। ये बिल्कुल परफेक्ट पनीर है। यहाँ से आप देख सकते हैं, हम आपको इस तरीके से दिखा रहे हैं पास से, थोड़ा सा इसके किनारे देख सकते हैं और ये देखिए कितनी अच्छी सी चिकनाहट मेंटेन हुई है, प्लस ये कितने सॉफ्ट बने हैं, स्पंजी हैं, इसमें एक्सेस ऑफ वाटर नहीं है कि आप दबा दें तो पानी चूने लगेगा, लेकिन अगर आप दुकान से ले आइए तो देखिए वो पानी से भरा रहता है। और इस कड़ाके की ठंड में अंगीठी इंजॉय करते हुए यदि आपको टेस्टी और स्मोकी पनीर टिक्का खाना है ना तो स्क्रीन पर दिख रही रेसिपी को जरूर से क्लिक करिएगा। और साथ में पनीर टिक्का को बनाने के लिए हमारे पनीर की जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना वो कुछ ऐसी ही होनी चाहिए जिसमें पानी की क्वांटिटी कम। तो यहाँ से देख सकते हैं कितनी अच्छी सी कोटिंग है धनिया पत्ती की। और अब आप इसे सूखा खाइए या आप डायबिटीज पेशेंट को इसे सर्व कर सकते हैं, किसी भी पेशेंट को आप इसे इजिली सर्व कर सकते हैं क्योंकि प्रोटीन से रिच होता है ये। 132 रुपए में 200 रुपए का पनीर बनाना घाटे का सौदा तो नहीं हो सकता। लगभग मैंने 800 ग्राम पनीर बनाया है जो, और इसमें पानी की क्वांटिटी कम है, गंदगी भी नहीं है और हेल्दी तो है ही। अब इसको आप एनालाइज करिए और हमें बताइए कि कैसी बनी है। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।